हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। दोस्तों, BMS, BHMS, BUMS जो आयुर्वेद कोर्स हैं, इसके लिए नीट क्वालिफाइड होना आवश्यक होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेज में तो ये सीट फुल हो जाती हैं, मगर कुछ स्टेट में प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें सीट खाली रह जाती हैं। तो कोर्ट द्वारा इन स्टूडेंट नीट नॉट क्वालिफाइड या फिर नीट नॉट अपेड कैंडिडेट जो एडमिशन के लिए परमिशन दे दी जाती है, प्रीवियस ईयर में उत्तर प्रदेश, कर्नाटका जैसे स्टेट में लास्ट टाइम में ऐसे ही हुआ था, 12th के बेस पर एडमिशन हुआ था। इस बार भी उन स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है जो अनक्वालिफाइड या फिर नीट की जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दी थी। पंजाब स्टेट ने इसकी शुरुआत कर दी है। पंजाब स्टेट ने ऐसे ही कैंडिडेट को परमिशन दे दी है। तो आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो पंजाब स्टेट की BMS या आयुर्वेद काउंसलिंग के लिए जो वेबसाइट है वो GRAUPunjab.org है, यानी गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पंजाब होशियारपुर द्वारा इसकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाती है। तो हम जैसे इसकी वेबसाइट पर जाते हैं, यहाँ इसमें लिखा हुआ है फिजिकल काउंसलिंग एडमिशन टू BMS, BHMS, BUMS। तो जैसे ही हम इसको डाउनलोड करते हैं तो इस प्रकार का नोटिस हमारे सामने आता है। इस नोटिस में लिखा है कि 28 सितंबर 2019 को उन कैंडिडेट की थर्ड राउंड की काउंसलिंग, फिजिकल काउंसलिंग होगी जो पंजाब स्टेट के नीट एलिजिबल कैंडिडेट हैं। ये काउंसलिंग गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी होशियारपुर खड़का सुबह 9 बजे से होगी। तो इसमें 29 सितंबर 2019 को आल कैटेगरी के नीट एलिजिबल कैंडिडेट अदर स्टेट के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी भाग ले सकते हैं। ये ऑफलाइन काउंसलिंग है, वहाँ प्रेजेंट रहना आवश्यक होगा। तो इसमें अगर फिर भी सीटें खाली रहती हैं तो 29 को आल कैटेगरी के 10+2 कैंडिडेट पंजाब स्टेट के हैं, उनके द्वारा ये सीटें भरी जाएंगी। इसके बाद में इसमें मेडिकल स्ट्रीम से होना चाहिए, PCB होना चाहिए ये कैंडिडेट्स। इसके बाद में 30 सितंबर को आल कैटेगरी के 10+2 कैंडिडेट, यानी PCB कैटेगरी के कैंडिडेट अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं, सीटें खाली रही तो। अभी इसमें लिखा है कि जो सीट पोजीशन है वो डिस्प्ले होगी काउंसलिंग के टाइम पर। इसमें आगे लिखा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी आपको लेकर जानी होगी। लिस्ट इसकी वेबसाइट पर दे रखी है। इसके बाद में एडमिशन फीस है जो ऑन द स्पॉट आपको डिपॉजिट करनी होगी। इसके बाद में जो फीस है वो DD के रूप में जमा होगी, रजिस्ट्रार गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पेबल होशियारपुर के नाम से होगी। इसमें बाकी इन्फॉर्मेशन हम इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो इसमें इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए फिजिकल ये काउंसलिंग के टाइम में, तो इसमें लिखा है कि ये मैट्रिक सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए, 10+1, 10+2 का। इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, नीट रिजल्ट। तो इस प्रकार से ये इसमें सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, ये आपको सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। अभी हम बात करें इसके फीस की, तो इसकी फीस आपको DD में लेके जानी है। जो रजिस्ट्रेशन की जो काउंसलिंग फीस है ऑफलाइन की वो 4600 रुपीज़ है। इसके बाद में जो BMS की ट्यूशन फीस है वो 1,20,000 है। तो इस प्रकार से ये पंजाब की काफ़ी कम फीस है आयुर्वेद कॉलेज की, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और ऑन द स्पॉट एडमिशन के टाइम में प्रेजेंट रह सकते हैं। बाकी स्टेट्स की बात करें हम, तो बाकी स्टेट जैसे कर्नाटका, UP, उत्तराखंड, राजस्थान, इनमें मॉपअप राउंड की काउंसलिंग चल रही है। किसी में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, किसी में ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है, तो किसी में रिपोर्टिंग टाइम हो रहा है। तो जैसे ही ये काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में कितनी सीटें इसमें बाकी रहती हैं उसके लिए डिसीजन आना बाकी है कि नीट अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स को परमिशन दी जाएगी या नहीं। ये सीट वैकेंट्स पर ही
पता चल पाएगा। तो जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट मिलेगी हम आपको सूचित कर देंगे। तो दोस्तों ये जानकारी थी अनक्वालिफाइड नीट स्टूडेंट के लिए, बीएमएस एडमिशन के लिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।